दौरे पर हो, क्या कहना चाहेंगे? आज चाइना के 11 गांव के दौरे हैं, जिसके अंदर लंबे समय से पेंडिंग अलेवा का बस स्टैंड और चाइना का कम्युनिटी सेंटर की शुरुआत करी जा रही है। प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल को कैसे और विकसित किया जाए, इसके ऊपर आने वाले समय में बड़े जो हमारे 143 गांव हैं, जिनके अंदर 10,000 से ज्यादा की आबादी, उनको कैसे सीवरेज व्यवस्था से जोड़ा जाए। और सीवरेज ही नहीं, जैसे शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, उसी तरीके से ग्रामीण अंचल में भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था बनाकर उनको भी शहरों के बराबर लाने के सरकार कार्यरत है। और यही प्रयास है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल को शहर के समान विकास के लिए। पिछले दिनों जिस तरह से सरकार ने जनहित में निर्णय लिए, एक बहुत बड़ी समस्या ग्रामीण अंचल के लोगों को आती है, वो है तकसीम की। और हमारा प्रयास, जनता से भी हम सुझाव ले रहे हैं कि आज के दिन जो सबोर्डिनेट जुडिशरी है, SDM कोर्ट है, तहसीलदार कोर्ट है, इसमें अधिकतम मामले हैं ऐसे लंबित है जो आपसी जमीन को बंटवारा है। पुराने जमाने से कई केसेस तो मेरे विभाग संभालने के बाद आए, जिसमें 7-7, 8-8 सालों से निर्णय नहीं हो पाए। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश के अंदर हरियाणा एक मॉडल लेजिस्लेशन लेकर आए, जिसके अंदर समय सीमित तरीके से हम ऐसे मामलों को निपटाए। तो आपके माध्यम से सबसे सुझाव मांगता हूँ कि हमें किस प्रकार के कोई भी कानूनी सुझाव देना चाहे ऐसे मामलों को निपटाने के लिए, खुला स्वागत है कि वो अपने सुझाव दे सकता है कि ऐसी पेंडिंग केसेस को जल्द से जल्द हम निपटाने का। हरियाणा के बार बार यही कह रहे हैं कि जो अंतर विरोध सामने आ रहा है भाजपा और JJP में, उसके मुताबिक मध्यावधि चुनाव होते हैं। मेरे को तो आज तक एक चीज नहीं समझ है कि JJP BJP के बीच में अंतर कलह है कहाँ। ये तो केवल मात्र हुड्डा साहब और इनेलो को ये एहसास हो रहा है कि आज प्रदेश में स्थिर और स्थायी सरकार चल रही है, और कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा उनके है कि स्थिर और स्थायी सरकार ने जनहित के अंदर मजबूत निर्णय लिए। ये निर्णय इस सरकार का था कि ग्राम सभा को हमने अधिकार दिया कि गांव के अंदर से ठेके हटाने की जिम्मेवारी अब गांव की जनसंख्या के तौर पर निर्धारित करी गई। ये सरकार का निर्णय था कि 50 किलोमीटर के अंदर HTAT का पेपर होगा, और ये सरकार का निर्णय था कि जो लोग 10 साल में केवल मात्र 700 रुपए बढ़ा पाए, हमने 60 दिनों के अंदर 250 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम किया। ये अपने आप में साबित कर देता है कि जनता के हित में मजबूत निर्णय लेने का काम आज हरियाणा प्रदेश की जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। और मैं तो बधाई दूंगा बिजली मंत्री को कि जहां आज लोगों के घरों पर छापे मारा करते थे, उनने अधिकारियों के बिजली विभाग के घरों में भी छापे मारकर बिजली की चोरी पकड़ी और उसके ऊपर 1,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये आज तक के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि इस तरह के कार्य मंत्री भी और सरकार भी कर रहे सिस्टम पर कहीं ना कहीं अधिकारी ज्यादा आगे हो पा रहे हैं। मैं तो 5 साल सांसद रहा हूँ और आप लोगों ने कार्य भी देखा। सिस्टम चलाने के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ताकत, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। मैं मानता हूँ कि एक दूसरे पे भारी होने तो फिर बाढ़ भी खेत को खाने लग जाती है। आज के दिन जितने भी निर्णय लिए गए उसके अंदर सरकार में बैठे एक एक मंत्री विधायक के सुझावों के बाद, मुझे याद है जब लोक मुख्यमंत्री बनकर विधानसभा में गया था तो विपक्ष के लोगों ने खड़े होकर धान की बात करी, क्योंकि धान की परचेज नहीं है, परचेज नहीं। हमने वादा किया था कि एक एक दाना हम परचेज कर, परचेज किया। फिर उन लोगों ने कहा कि अनियमितता पाएगी,
हमने अनियमितता को भी एक बार नहीं दो दो बार चेक करवाया। ये हमारी हिम्मत है कि जहाँ गड़बड़ी पाई गई है उसके ऊपर फिर अब कानूनी राय लेकर आगे कदम उठाएं। मैं तो ये मानता हूँ विपक्ष का काम है, कोई कमियां है उसके सुझाव दें, हम उनको सुधारेंगे, मगर केवल मात्र अपनी कमियों को छुपाने के लिए, जो इस प्रदेश को उनने 10 साल में बर्बाद किया उसको छुपाने के लिए आज ये कहना भी सरकार मध्यवर्ती चुनाव ये अपने आप में उनकी बौखलाहट दिखा। जो पेंशन बढ़ाई गई है 50 तो उस पर विपक्ष कहीं कुछ ज्यादा ही हो रहा है। शर्मा जी 6 साल इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही, 200 रुपये पेंशन तो साल की कितनी हुई, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, स्थाई सरकार, 10 साल में 700 रुपये पेंशन मिली। ये तो हमारी हिम्मत है कि 60 दिन में 250 रुपये पेंशन बना ली, और तो शुरुआत है, गांव तो बसेंगे, धीरे धीरे देखो बुजुर्गों के सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। और बुजुर्गों के साथ साथ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर और वर्कर वेलफेयर, ये दो बोर्ड हैं हरियाणा सरकार के, जो वर्कर कंस्ट्रक्शन या और साइट में काम करता है वो अपने जमा पूंजी का एक हिस्सा इस बोर्ड में डालता है। इस सरकार का निर्णय है कि बुढ़ापा पेंशन से भी 500 रुपये ज्यादा वर्कर को पेंशन दी जाएगी बोर्ड के माध्यम से, तो अपने आप में दिखाता है कि केवल मात्र बुजुर्ग ही नहीं, प्रदेश के वर्कर्स का भी अगर निर्णय किसी ने मजबूती से लिया तो भाजपा भाजपा की गठबंधन सरकार है। जींद जिले आपके लिए कुछ प्रयास, एक खुशखबरी आप सबको देना चाहूंगा कि पीछे कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक, बड़े लंबे समय से एक प्रोजेक्ट पेंडिंग था जींद का मेडिकल कॉलेज का, जिसको पहले 550 बेडेड हॉस्पिटल बनना था। कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है और 525 करोड़ से ज्यादा का 750 बेड का 2 फेज के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हैबतपुर रोड के ऊपर 27 एकड़ जमीन पे किया जाएगा, और जिसके अंदर केवल मात्र MBBS की व्यवस्था नहीं, आने वाले भविष्य के अंदर MS और MD की भी कोर्सेज हम चलाएंगे। मेरे ख्याल से आज तक जींद जिले की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो मेडिकल व्यवस्था की थी, और इस सरकार का निर्णय है कि इस व्यवस्था से निपटना ही नहीं, उसको कैसे लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ले जाया जाए उसके ऊपर हम कार्यरत हैं। और मैंने तो तमाम बड़ी कंपनी से भी आग्रह किया है कि हमारे ITIs के आकर अंदर आकर अपने मॉडल स्केलिंग सेंटर्स खोलने का काम करो, जिससे हमारे इस क्षेत्र के लोग जाकर गुड़गांव जैसी कंपनियों के अंदर रोजगार लें, जिससे हमारा 75% रोजगार का जो टारगेट है जब वो कानून के तौर पर आएगा उसको भी हम फुलफिल कर पाए। और उसके लिए आज जो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया है उनकी टीम आकर ITI उचाना का निरीक्षण भी करेगी, और वहाँ से कैसे उनकी मॉडल लैब सेटअप हो इसके ऊपर आने वाले 2 महीनों में प्रोजेक्ट बनाकर उसको इम्प्लीमेंटेशन की ओर करेगी। 18 तारीख को जो 10 सदस्य कमेटी जननायक जनता पार्टी ने 9 दिसंबर को बनाई थी उसकी दूसरी बैठक है, उसके बाद 12 तारीख को दिल्ली प्रदेश की बैठक, उसमें निर्णय लिया गया कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। तो भाजपा के साथ भी चल सकते हैं, आपके आपके दोनों के साथ कमेटी निर्णय लेगी कि चुनाव को किस तरीके से, हमारे अलायंस के साथ ही जरूर उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पिछले इतिहास में हमारे 1-3 तक विधायक रहे हैं चौधरी देवीलाल जी के समय, और बिल्कुल आउटर दिल्ली का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो आज भी जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की सोच के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल अगर कमेटी का निर्णय होगा कि हमने अधिकतम से अधिकतम सीटों पर लड़ना है तो JJP मजबूती से जुड़ा। केजरीवाल कह रहे हैं कि काम के अंदर जीत के दिखाएंगे, समय की बात है, काम के आधार पर कई प्रदेशों में बात करी जाती है, जब निर्णय आए तो उसमें बदलाव आए। दिल्ली को जनता आज की परिस्थिति में क्या निर्णय लिए थे, केजरीवाल तो कहते थे कि पराली की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन है, अब तो कोई पराली नहीं जल रही, आज भी 300 प्लस की कंडीशन है वहां, तो ये साबित कर देता है कि किसान नहीं गलत था, कहीं ना कहीं उन लोगों की सोच में गलती थी जो हर चीज का ठीकरा किसान पे फोड़ना चाहते हैं। सर, एक नागरिक शासन लागू किया गया है तो जो विरोध है जो...